सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, ये तीसरी और आखिरी वीडियो है रिएक्शन वीडियो आइस स्क्रीम की जर्नी पे। तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसमें हम लोग आइस स्क्रीम के जितने भी कट सीन्स हैं, मतलब सारे कट सीन नहीं, लेकिन जो मिस्टीरियस कट सीन है ना, जिनसे हमें इस गेम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ नए राज खोले थे, उन सारे कट सीन्स को हम लोग देखेंगे एंड उन पर रिएक्शन देंगे अपना। तो चलो शुरू करते हैं। एंड इसमें मैंने ऐसे रैंडमली कट सीन डाल दिए हैं ज़रूरी हर चैप्टर के, तो लेट्स सी। देखो, सबसे पहला ज़रूरी कट सीन था ये, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले रॉड की फैक्ट्री को देखा था। एंड ये देखो भाई, रॉड द रेसिपी फॉर हैप्पीनेस इज विद इन एवरीवन्स रीच, ये डायलॉग तो आपको पता ही होगा भाई। एंड गाइज, ये कट सीन भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ज़रूरी कट सीन था। और ये 1955 का है, जिसमें कि हमें पता चला था जोसफ के एक्सीडेंट के बारे में। जी हाँ, ट्रेजिक डे ऑफ मॉर्निंग। ओके, एंड यहाँ पर रॉड ब्रेन वॉश कर रहा था किसी का। ये वाला कट सीन भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है काफी। अनएक्सपेक्टेड हेल्प विल कम टू यू, अ लेटर फ्रॉम योर मदर इन व्हिच शी विल फाइनली टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। सो भाई, कितना इवल लग रहा है ना इसमें देखो, कितना इवल लग रहा है ये देखो भाई, आलू सा मुंह है इसका, आलू सा प्रॉपर, एकदम प्रॉपर आलू लग रहा है भाई। has been written by your own mother. Everyone has what? एंड ये वाला कार्ड सीन भी अच्छा था भाई, जिसमें कि रॉड अपने फादर के मास्क से बात करता है ना, एवरीवन गेट व्हाट दे डिजर्व ओवर टाइम, इजंट दैट राइट फादर। एंड भाई, इसके बाद जो मास्क टूटता है, वो वाला सीन भी मुझे पसंद आया काफी। दे डिजर्व ओवर टाइम, ओ भाई राइट फादर। एंड ये सीन भाई, इसको भी नहीं भूल सकते हम, जिसमें फाइनली ये बच्चा सा रॉड हमें देखने को मिला था। America. It seems that nothing I say is enough for you to come back to me. And guys, ये जिसमें रॉड को evil nun ने ये book दी थी, yes वही secret ingredient वाली, जिसमें कि कुछ ऐसा black magic type चीज भी थी, रॉड को handover करी थी first time. I never stop dreaming of the day you and I meet again. Keep the book I give you as your most precious asset. Yes. For I will reveal a secret that only Joseph Sullivan knew. He stole it from me. But now I give it to you. Thanks to the fact that more time has passed, I have been able to improve the formula. You are my son, and you deserve... ये देख रहे हो, ये वही फॉर्मूला है जो कि आइस स्क्रीम चैप्टर 4 में वैन में गिरा था ना रॉड के हाथ से, वही वाला फॉर्मूला है जो कि सबसे पहले सिस्टम मिडलाइन ने ही बताया था इसको। एंड भाई, वो बताती है कि जोसेफ सोलोमन ने इससे चुरा लिया था। भाई काफी कंफ्यूज कर रखा था इन दोनों ने रॉड को, इस सिस्टम मिडलाइन ने और जोसेफ सोलोमन ने। बट ऑल आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू सिंथेसाइज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी केमिकल कंपाउंड with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. Warmly, yes. Your mother who will always be with you, Sister Madeline. And भाई, जिस चीज का डर था वही हुआ था। जी हाँ, यहाँ पे finally evil nun की entry हो चुकी थी रॉड की factory में। Yes. It's over. एंड भाई, मुझे आज भी याद है जब ये सीन फर्स्ट टाइम देखा था भाई, मैं तो शॉक्ड रह गया था ये देख के कि भाई इवल नन आइस स्क्रीम गेम में कैसे आ गई। Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son. But guys, यहाँ पे ना एक चीज बहुत अजीब है, जब भी इवल नन ने यहाँ पे रॉड की बात करी है ना, उसने ये नहीं बोला कि मैं अपने बेटे के पास, अपने सन के पास वापस आ रही हूँ, ऐसा बोला है ऑब्वियसली। लेकिन इसने मेन जो हाईलाइट करी है ना बात, वो है प्रेशियस सन, मतलब ये रॉड से ज़्यादा आई थिंक ये उसको मानती है कि वो जो बच्चा है उसको वो रेबेका बनाना चाहती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये रॉड को सच्चा प्यार करती है। ठीक है, ये रेबेका को वापस लाना चाहती है, बस इसका यही एक मकसद है। भाई दांत देखो,
विमल कम खाया कर ईवलन, तेरा एक दांत भी टूट गया बेचारी ईवलन। भाई शक्ल देखो एक बार इसकी। एंड भाई ये म्यूजिक मुझे काफी ज्यादा पसंद है, पिंक रूम वाला। एंड ये भी मैंने इस वाले कट सीन में क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार हमें एक्सट्रैक्शन रूम के बारे में पता चला था, यानी ये पिंक रूम। भाई कैसे खींच के ले जा रहा है जे को। एंड भाई ये वाला कट सीन भी मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मुझे इस वाले मिनी रोड पे बहुत दया आई थी सीरियसली। देखो आइसक्रीम सीरीज में सबसे ज्यादा सैड अगर हम किसी मिनी रोड के लिए हुए होंगे ना, तो वो यही है। बेचारे की मौत बड़ी बुरी तरह हुई है, इसकी कोई गलती भी नहीं थी बेचारे की। इसने ना तो हमें कभी शॉक दिया, ठीक है, ना हमें कुछ हार्म किया, एंड ना ही ऐसा अलार्म बजा के रोड को बुलाया। ये तो बेचारा अपना विंडो क्लीनिंग का काम कर रहा था, हमने इसकी नाक लेने के लिए इसको पंखे में घुसा के मार डाला, बेचारा मिनी रोड। सो भाई इसको देख के कुछ उसको लगता है कि इसके संग गलत हुआ है एक्चुअली, कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो लगता है भाई इसके संग गलत हुआ है। एंड इसके बाद हमें ये वाला कट सीन देखने को मिलता है। भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें रॉड और जोसेफ सोलोमन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइम जोसेफ भी देखने को मिलता है हमको, एंड जोसेफ यहाँ पे मतलब छुपाता है भाई रॉड से बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, जैसे कि वो बॉक्स देखो। And it's coming up. It's going right for the mouth. Oh no, mini rod. And ये वो ही मिनी रॉड है जो कि वो कचरे में पड़ा हुआ है ना, यस, जो कचरा फेंकता है चिमनी के अंदर बार बार। Now you gotta open up and say, ah, father, look, I've already eaten most of my food. Very good, son. This is how you'll become a big and strong man. A big strong man like you, father, with a good job and many friends. I will be a famous ice cream man too, and a genius as great as my father. The recipe for happiness is within everyone's reach. Isn't that so, father? Yes, son, it is like that. But that doesn't mean you don't have to work hard anyway. When am I going to be able to eat one of those ice cream? Have I worked enough already? देखो मुझे लगता है ना यहाँ पे ईवलन जो है ना वो रॉड को अपने संग ले जाना चाहती थी अपने फायदे के लिए, लेकिन यहाँ पे जो जोसेफ सोलोमन है शायद वो रॉड को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हो, क्योंकि तभी वो इन सब चीज़ों को रॉड से दूर रख रहा था। लेकिन इसमें एक ये सवाल भी है कि क्या जोसेफ सोलोमन भी उसी टाइप से आइसक्रीम बनाता था जो कि रॉड बनाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो बॉक्स है जिस पर लिख रहा है डोंट ओपन या फिर डोंट टच, ये क्यों है भाई? जोसेफ सोलोमन को ऐसा सीक्रेट छुपाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आखिर इसके अंदर क्या है? तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि जोसेफ एक्चुअल में अच्छा था भी कि नहीं था, क्या जोसेफ ही तो नहीं था सबसे बड़ा ईवल प्राणी? भाई कमेंट में बताना मुझे आपको क्या लगता है। No, Rod, you can never eat those special ice creams. भाई इसका रिएक्शन देख रहे हो? Quickly to go to school. I'll see you tomorrow. A little longer, maybe. Okay. यहाँ पे ये रेड लॉक दिखाया जाता है, एंड इसके बाद जो कट सीन है ये वाला। यहाँ पे रॉड सोचता है एंड बातें करता है काफी ज्यादा। एंड ये रेबेका की बात, रेबेका नहीं क्या नाम है यार उसका, अलीसा, हाँ अलीसा की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि वलन की डॉटर थी। भाई ये मरी कैसे थी? एक सेकंड गाइस, एक चीज नोटिस करी, ये देखो
यहाँ पे जब रेबेका मरती है ना, ये देखना यहाँ पे ध्यान से, ये बॉम्ब फूटा एंड यहाँ पर रेबेका मरी, ठीक है। सो रेबेका के अंदर से ये रोशनी निकली है एक, देख रहे हो, जो कि जा रही है, ये देख रहे हो, ये रोशनी गई ये वाली। सो ये यहाँ से जाती है एंड जैसे ही रोड पैदा होता है, रोड के अंदर ये चली जाती है। देखो यहाँ पे ये रोड का जन्म हुआ एंड ये रोशनी इसके अंदर आ गई। तो इसी तरीके से जो रेबेका की आत्मा है वो रोड के अंदर है। It's a boy. And यहाँ पे ये बात सुन के भाई इवलन शॉक्ड हो चुकी थी। शक्ल देखो भाई इसकी। ये सारी चीजें रॉड सपने में इसलिए देख पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली रेबेका की आत्मा इसके अंदर थी, जो कि अभी आप लोगों ने देखी, तो इसी वजह से ये इसे विजन दिख रहा था। बट यहाँ पे एक और सवाल है। देखो जोसेफ सोलोमन अपने संग वो की लेके गया था। एक सेकंड, जोसेफ सोलोमन अपने संग कौन सी की लेके गया था जब वो जा रहा था? लेट्स चेक। ओके, यहाँ पे जोसेफ सोलोमन की खोलता है एंड ये रेड की लेता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये रेड की पड़ी हुई है, यानी जोसेफ सोलोमन के जेब से या तो ये गिर गई थी यहाँ पे, या फिर यहीं से जोसेफ सोलोमन को कुछ हुआ था। क्या ऐसा तो नहीं यहीं से जोसेफ सोलोमन को इवल नन ने या उसकी राइट हैंड सिस्टर फ्लिपा ने कुछ किया हो, या फिर एक्चुअली जोसेफ के जेब से ये गिर ही गई हो जो कि रॉड ने देख ली। एंड ये लास्ट टाइम था जब रॉड को हमने मतलब अच्छे बच्चे की तरह देखा। मतलब रॉड यहाँ तक बिल्कुल इवल नहीं था, ठीक है, एकदम नॉर्मल किड था। एक तो रॉड का ये कहना कि उसको वो डोंट टच वाला बॉक्स ओपन करना है एंड उसको देखना है, उसमें से आइसक्रीम खानी है, ठीक है, जो कि जोसेफ सोलोमन सख्त मना कर देता है। एंड उसके बाद ये की पड़ी मिलना, तो रॉड इस की को लेकर तुरंत जाता होगा एंड उस बॉक्स को ओपन करेगा एंड उसके बाद फाइनली रॉड को भी वो राज पता चल जाएगा एंड रॉड भी वहां से ईवल बन जाएगा। तो आई थिंक ये जो कट सीन है ना, इसके आगे का जो सीन है वो हमको चैप्टर 8 में पता चल जाएगा क्या हुआ था आखिर इस कॉटेज के अंदर। यो ये वाला कट सीन भी भाई बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ पे जोसेफ सोलोमन फैक्ट्री के अंदर आता है एंड अपने ऑफिस में आता है। तो यहाँ पे जोसेफ सोलोमन किसकी बात कर रहा है? क्या वो इवलन की बात कर रहा है, यानी सिस्टर मेडलाइन की? क्योंकि वो रॉड के बारे में तो इस तरीके से नहीं बोलेगा ना। वो उसके ऑफिस में जो भी घुसा है, या तो वो सिस्टर फिलिप्पा है या फिर वो सिस्टर मेडलाइन है। एंड ये भी हो सकता है कि कोई और ही तीसरा इंसान हो जो कि जोसेफ के ऑफिस में घुस के ये तहस नहस मचाया। देखो Look how you have left everything. God still loves me. ये बात आखिर जोसेफ ने क्यों बोली? Rod still loves me. उसे डाउट हो गया था क्या कि रॉड को कुछ ऐसा पता चल गया है जो कि जोसेफ के अगेंस्ट है? यहीं से हमें पता चलता है कि जोसेफ भी कोई दूध का दूधा नहीं है, क्योंकि अगर जोसेफ ने ये लाइन बोली है ना, रॉड स्टिल लव्स मी, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं ये शक है कि जोसेफ का कोई राज है जो कि अगर रॉड को पता चल गया तो शायद रॉड जोसेफ से नफरत करे या फिर उसका सच जान जाए। तो इसीलिए वो राज आई थिंक ये सीक्रेट रख रहा होगा। भाई बहुत सारी मिस्ट्री है एंड ये सब कुछ पता चलेगा हमें चैप्टर 8 में। Do not discover my secrets. Let the dead rest in peace. भाई ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये लाइन जोसेफ सोलोमन बोल रहा है अपने ऑफिस में आके, ये जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में क्या लिख रहा था पता भी है? इस न्यूज़पेपर में जोसेफ सोलोमन के एक्सीडेंट वाली न्यूज़ लिख रही थी। तो आखिर वो खुद की ही एक्सीडेंट की न्यूज़ कैसे बता सकता है? मतलब कैसे इस चीज़ को वो बता सकता है? ऑलरेडी वो मर चुका है। एंड यहाँ पे इसने एक लाइन बोली, लेट द डेड रेस्ट इन पीस। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जोसेफ एक्चुअली जिंदा हो? एंड ये थ्योरी में ऐसे काफ़ी टाइम पहले जब चैप्टर 7 आया था तभी मैंने बता दी थी कि ऐसा पॉसिबल है कि शायद जोसेफ जिंदा होगा एंड कोई और ही मरा हो एक्चुअल में, एंड असली जोसेफ आज भी फैक्ट्री में या फिर कहीं और हो। Do not discover my secrets. Let the dead rest in peace. Sister Madeline. एंड यहाँ पे सिस्टर मेडलिन के पास ये आती है फ्लिपा न्यूज़ लेके कि जोसेफ तो भाई काफ़ी तरक्की कर रहा है। एंड यहाँ पे सिस्टर मेडलिन काफ़ी गुस्सा हो जाती है इस चीज़ से। फिलिपा, I think the idea of doing laundry.
ये देख रहे हो न्यूज़पेपर में क्या लिख रहा है। एंड यहाँ पे उसी दिन जिस दिन सिस्टर फ्लिप्पा ने सिस्टर मेडलाइन को यानी ईवल नन को ये न्यूज सुनाई थी ना जोसफ वाली कि जोसफ तो काफी तरक्की कर रहा है, उसी शाम की ये बात है जब फाइनली सिस्टर मेडलाइन यहाँ पे फ्लिप्पा को बोलती है कि जाओ ठोक दो जोसफ सोलोमन को। थैंक यू आई डोंट डिजर्व सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स। जोसफ सोलोमन ब्रेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड गिनीज ऑफ द बिगेस्ट आइसक्रीम। एंड गाइस यहाँ पे ना एक और चीज है, देखो सिस्टर मेडलाइन भले ही बहुत ज्यादा ईवल है, मक्कार है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? क्या सिर्फ यही वजह थी कि जोसफ सोलोमन आगे बढ़ रहा था एंड उसके पास रॉड था, इस वजह से ही सिर्फ क्या सिस्टर मेडलाइन ने जोसफ को मरवा दिया, या फिर इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा सीक्रेट है, कोई बहुत ही बड़ा राज है जो कि शायद अभी तक हमें पता नहीं चला है? चैप्टर 8 में वो पता चल जाएगा, मे बी ऐसा भी हो सकता है ना। जी हाँ, सिस्टर मेडलाइन आ चुकी हैं रॉड की फैक्ट्री में। अरे बस कैमरा को लुक दे रही है, देखो तो दो दांत टूट गए, एक नीचे का भी टूट गया, वाह। ओके गाइस, तो इसके बाद आता है ये चैप्टर 8 वाला ट्रेलर जो कि मैंने इसी में ऐड कर दिया, तो इसको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरे लिए भी न्यू है। लेकिन मैंने सोचा पुराने जो मिस्टीरियस से कट सीन्स हैं उन पर रिएक्शन दूँ मैं अपना, जिसमें से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस अभी भी मुझे कोई लगता है तो वो ये, एक तो जब ये रेड लॉक है डोंट टच वाला बॉक्स, ये जब रॉड सबसे पहले देखता है एंड इसके बाद उसे की पड़ी हुई मिलती है तो उसके आगे क्या हुआ, आई थिंक ये हमको पता चलेगा। एंड इसके बाद मुझे सबसे मिस्टीरियस कट सीन अगर कुछ लगता है तो वो ये वाला, देखो इसके बीच में ये जब जोसफ के ऑफिस के अंदर आता है, जोसफ आता है, ये कौन आता है एंड ये कौन है जिसने कि ये सारे सीक्रेट्स जोसफ के ऑफिस में तहस नहस मचाया एंड सब कुछ, मतलब कोशिश करिए जानने की ये कौन था। एंड यहाँ पे जोसफ ने ये क्यों कहा कि रॉड स्टिल लव्स मी, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, तो आई थिंक ये हमको चैप्टर 8 में देखने को मिलेगा ये भी। एंड बाकी आपको क्या लगता है कि आइसक्रीम की पूरी सीरीज़ में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कटसीन कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना उस कटसीन का नाम। एंड तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसके बाद हम मिलेंगे डायरेक्ट आइसक्रीम चैप्टर 8 के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।